तो यार हीरो किसको नहीं बनना है, अरे ये वाला नहीं ये वाला, यार सबको अच्छा दिखना है। तो गाइज आज हम उसी के बारे में बात करने वाले, एक ऐसी छोटी सी रेमेडी जो गाइज बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। और सबसे इसकी अच्छी बात है क्या गाइज, एक होम रेमेडी, आपको बाहर से कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ईजीली घर पर अवेलेबल होती है और बहुत छोटी सी रेमेडी और उसके जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि खास करके जो जो स्किन पे ग्लोइंग होता है, जो स्किन ग्लो करने का काम करती, प्लस गाइज जो रिंकल्स आते हैं, जो जैसे कि मतलब बहुत जिन लोगों का ज़्यादा एज होता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, या फिर डार्क स्पॉट होते हैं, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा, ठीक है। या फिर पिंपल एक्ने को भी आप जो बहुत कम रहेगी पिंपल एक्ने, तो गाइज ये आराम से उसके ऊपर वर्क करेगी। तो चलो देखते हैं। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग न्यू हो तो गाइज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है, जो लाल कलर का बटन है, और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो बेल आइकन है उसे भी गाइज प्रेस कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइज जल्दी जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलो गाइज अब वीडियो की तरफ आते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं जिस रेमेडी के बारे में बात कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है। खैर सबसे पहले तो गाइज हमें लगेगा ग्राम फ्लावर, जिसे हम बेसन भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है येलो। और अगर गाइज फिर भी अगर आप लोगों को पता ना चले तो अपनी माँ के पास जाओ और सीधा उसको बोलो, वो बराबर से आपको निकाल के दे देगी, ठीक है। अब गाइज उसके लिए सेकेंड जो इन्ग्रीडियंट है वो है हनी, ठीक है, जो नॉर्मल अपना हनी होता है उसकी ज़रूरत लगेगी। और जो थर्ड है वो है लेमन, ठीक है। फिर सबसे पहले तो हमें एक बाउल में थोड़ा सा बेसन लेना है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब गाइस इसके अंदर हमें थोड़ा सा हनी ऐड करना है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रॉपर मिक्स करने के बाद नॉर्मल आपको लेमन को ट्वीज करना है, ठीक है। अब इसके बाद गाइज आप लोगों को बस इतना ही, बस ये तीन की आपको जरूरत लगेगी, और इसके बाद गाइज आप लोगों को प्रॉपर इसको मिक्स करना है। देख सकते हो थिन पेस्ट यहाँ पे मिल गए, देख सकते हो गाइज। अब ये जो कुछ मास्क है उसे हमें अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अब वो नॉर्मली अप्लाई करना है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा ध्यान रखें कि अपना फेस जब भी आप इसे अप्लाई करोगे तो नॉर्मली अपना फेस एक बार नॉर्मल वाटर से या फिर कोई भी क्लींजर हो या फिर नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर दो, ठीक है, उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। गाइज आप इसको नॉर्मली, आप मतलब नॉर्मल एक 5 मिनट तक आप नॉर्मल इसको मसाज करो, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर स्किन पे अप्लाई हो सके। और गाइज आप इसको हैंड पे या फिर जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मतलब टैनिंग सी हो रही है या फिर जहाँ पे भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, स्किन नेक हो गया या फिर हैंड्स हो गए वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज इसको जैसे आप लगा के उसके गाइज 15 to 20 मिनट्स आपको वैसे ही रहने देना है, ठीक है, थोड़ा सूखने के बाद 15-20 मिनट के बाद इसको वॉश कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं। गाइज मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से और आप लोग इंस्टेंट रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। अब गाइज इस मास्क को कब कब यूज करना है, ठीक है। तो गाइज आप 1 वीक में से इसको गाइज 5 डेज यूज कर सकते हो, ठीक है, 1 वीक में 5 दिन आप इसको यूज कर सकते हो और आप कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट गाइज मोस्टली आप सोते टाइम यूज करोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और गाइज आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट गाइज स्टिल आपको अगर प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट इसके रिजल्ट चाहिए होंगे तो गाइज आप इसको 1 मंथ तो यूज करो प्रॉपर,
आपको गाइज एक अच्छे खासे इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा और जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आराम से गाइज इससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। गाइज हम लोगों ने इसमें बेसन क्यों ऐड किया, बिकॉज गाइज ये स्किन ग्लो करने के लिए और जो कुछ भी रिंकल्स वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अब गाइज हनी क्यों ऐड किया, बिकॉज इसमें गाइज जो स्मूथनेस होती है, जो स्किन को जो स्मूथनेस की ज़रूरत होती है या आप ग्लो भी बोल सकते हो, उसके लिए भी गाइज ये बहुत यूजफुल होता है। और गाइज लेमन क्यों ऐड किया, तो बिकॉज गाइज जो कुछ भी पिंपल्स होते हैं या फिर जो डार्क स्पॉट रह जाते हैं पिंपल के बाद, उसके लिए गाइज लेमन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब गाइज ये तो लेवल वन की रेमेडी थी, ठीक है। अब गाइज हम और ज़्यादा एडवांस भी जा सकते थे, जैसे कि हम इसमें और राइस फ्लोर या फिर हल्दी हो गया या फिर मिल्की क्रीम हो गई, बहुत सारे ऐसे कुछ मतलब इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर सकते थे। बट गाइज स्टिल हम धीरे धीरे करके हम प्रॉपरली मतलब मैं आप लोगों को एक प्रॉपर रूटीन बता दूंगा, ठीक है। अब गाइज स्टिल आप यही फिलहाल यूज़ करो, मैं जल्दी और एडवांस लेवल में भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और गाइज वीडियो को लाइक कर देगा जितना हो सके उतना, आप गाइज शेयर कर देना और ऐसे ही सपोर्ट रखो। और सेम गाइज ये जो कुछ भी आप मुझे बताते हो उससे मुझे पता चलता हो, तो गाइज इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गाइज जाओ यहाँ पे IDM फॉलो करो, ठीक है। जो कुछ भी क्वेश्चन रहोगे आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।